इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। बहराइच समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राम हर्ष यादव की अध्यक्षता में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके द्वारा 2012 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला गया। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राम हर्ष यादव ने बताया कि उन्हें हाईकमान से आदेश प्राप्त हुआ है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव का 50वां जन्मदिन लोक कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाए, जिसको लेकर उनके जन्मदिन का आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश में पहले नफरत की जंजाल को खत्म करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव सभी पटना में विपक्षियों को एकत्रित करने का कार्य किए हैं और एक बहुत बड़ी रेखा खींचने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा किसी भी हद तक जाकर जनता पार्टी को फेंकने का संकल्प उनके द्वारा लिया गया है। तीन तलाक का कानून, यहाँ कुछ हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग भारी मात्रा में हैं, उनका क्या नुकसान हुआ है? ये उनका सब्जेक्ट है, उनका विषय है, इसका आकलन वो स्वयं कर रहे हैं। लेकिन बहुसंख्यक समाज का उससे क्या फायदा हुआ है, हमें तो नहीं लगता। हमसे क्या लेकर देगा, ये उनका निजी मामला है, हमको कोई प्रत्यक्ष लाभ उससे नहीं हुआ। आप एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है कि भारत में एक कानून हम बनाएंगे, आपके पास सहमत है? आप क्यों पूरे देश में प्रलाप कर रही है, कर रहे हैं? आपने तीन तलाक कानून बना डाला, सुपर प्रबंध लगा दिया। आप समाज से रिपोर्ट भी ले आइए, कौन रोक रहा है? आपके पास बहुमत है, आप बना लीजिए। लेकिन इसका परपक्ष हम लोग जब करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का इसको लाभ। भारतीय जनता पार्टी ने काम लोगों के लिए क्या किया उसने। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।